आजम खान डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में आजम खान ने जो है अपने बले के ऊपर फलस्तीन का झंडा लगाया, जिसके बाद आजम खान को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब आजम खान के ऊपर जो है मैच की 50% फाइन भी लगा दी। आजम खान को मना भी किया क्या गया था, लेकिन उसके बावजूद उसने इनकार किया, झंडा लगाया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आजम खान को जो है 50% मैच फीस फाइन कर दिया। इसके बारे में राशिद लतीफ और डॉक्टर नुमान क्या कहते हैं, सबसे पहले ये देख लीजिए। यार मैं तो कॉम्प्लीमेंट करूंगा बच्चे, आप करें हम भी करेंगे यार, मतलब कि बड़ा खबर तो बनती है, खबर तो बनती है, खबर बनती है, जिगरा चाहिए इसके लिए, दलेरी चाहिए, और वो भी आप जब पाकिस्तान से ना खेल रहे हो और अब लीग्स खेल रहे हो और अब इंटरनेशनल उन पे डिपेंडेंट हो, और ये जो आजम खान है इनको अब मैसेज दिया गया था कि आप ये हटा लें बल्ले से, नहीं भाई फाइन कर लो, मैंने हटाना नहीं है, ये मेरी कन्विक्शन है। तो वेल डन आजम खान, प्राउड ऑफ यू। अब मैं कहना नहीं चाहता, शायद डैडी ना करता, लेकिन तूने जो कर दिया ना, यू हैव मेड अस प्राउड, वेल डन, वेल डन। यार बड़ी बात है राशिद। हाँ यार बड़ी बड़ी बात है, ठीक, कल का झंडा भी, कल झंडा ना लेके आ जाए। वैसे मैं ये वीडियो आपने देख ली, इसमें राशिद लतीफ और डॉक्टर नुमान साहब यही कह रहे हैं कि यार सही क्या है, दलेर बंदा है, जिगरा है उसके पास, कि उसने जो ना पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में फलस्तीन का झंडा अपने बल्ले पे लगाया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो ना वो सारे जो ना सब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और जो क्रिकेट फैंस नहीं भी है वो भी ट्विटर के ऊपर उन्होंने एक ट्रेंड बनाया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट कि शेम ऑन यूपीसीबी, क्या आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने जो ना आजम खान को जो ना 50% फाइन किया गया है। सोशल मीडिया पे लोग यही सवाल कर रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आजम खान ये झंडा लगाते तो बात बनती कि भाई आईसीसी के रूल्स को जो ना फॉलो नहीं किया गया, यहां पर तो डोमेस्टिक क्रिकेट आपके अपने रूल्स है, आपकी अपनी क्रिकेट है, यहां तो आपको कोई रोक नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद आपने आजम खान को फाइन क्यों लगाया, आजम खान के ऊपर फाइन क्यों लगाया 50%। तो ये सब ये सवाल कर रहे हैं और मैं भी उन्हीं में से हूं कि ये क्यों लगाया भाई, जवाब दीजिए, क्या आप, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखता, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो फलस्तीन के साथ नहीं है जो इस तरह के हरकतें कर रहे हैं। तो ये समझ से बाहर है यार कि मतलब पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट में आजम खान ने फलस्तीन के लिए अपने बल्ले पे झंडा लगा लिया तो क्या हुआ, उसे दुनिया को उसने बताया कि यार मैं फलस्तीन के साथ हूं, और दूसरा कौन सा इंटरनेशनल मैच चल रहा है, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स के लिए ऐसे रूल्स लेकर आते हैं, लेकिन जब आईसीसी में बात करनी हो, एसीसी में बात करनी हो, वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेबस नजर आता है, लेकिन यहां पर ऐसे अपने कानून दिखा रहे हैं। तो इस हवाले से आप लोगों को क्या राय है अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।